यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, यहाँ से हम इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण करते हैं। यहीं पे नीचे पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। जहाँ से सलाइवा रिलीज होता है और हमारे खाने में जाके मिल जाता है। फिर फूड यहाँ से होते हुए यहाँ यानी कि फूड पाइप, मैं अभी सबकी हिंदी भी बता दे रही हूँ, फूड पाइप, और इसकी जो मूवमेंट होती है यानी कि इसकी गति को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन। ये MCQ का क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, फिर ये आता है हमारा डायाफ्राम, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? फूड पाइप को ग्रसिका बोल सकते हैं हम लोग। सलाइवरी ग्लैंड को बोलते हैं नॉर्मल, इसको हिंदी में भी सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, बस सलाइवरी ग्रंथि बोल सकते हैं हम लोग। ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है। फूड डायफ्राम से कोई मतलब नहीं है, वो केवल लंग्स और डाइजेशन के बीच एक, यानी कि लीवर और इसके बीच एक कह सकते हैं दीवार का काम करता है। फिर फूड यहाँ आते हुए यहाँ पे आता है, ये क्या है हमारा? तो ये तो हम नॉर्मल जानते ही हैं, आमाशय है यानी कि स्टमक, मैं लिख नहीं रही हूँ। यहाँ से इसकी वॉल पे पाया जाता है, इससे रिलीज होता है दो, और कई भी होते हैं बट दो मेन होता है, एक होता है HCL, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, दूसरा होता है म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। HCL का क्या काम होता है? HCL ये जो फूड आता है उसको एसिडिक यानी कि अम्लीय बनाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पेट को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर म्यूकस ना पाया जाए। तो म्यूकस का क्या काम होता है, ये MCQ में पूछ सकते हैं कि HCL से आमाशय की दीवारों को कौन बचाता है? तो श्लेष्मा ऑप्शन में हो सकता है, मतलब हिंदी में भी कई जगह म्यूकस ही देखने को मिल जाता है, तो म्यूकस या श्लेष्मा में से कोई एक, तो यही सही ऑप्शन होता है। ये अगर म्यूकस अगर ना पाया जाए तो अगर हमारे पेट में भोजन नहीं है तो HCL इतना नुकसानदायक है कि ये इसकी दीवार को काट सकता है। फिर हमारा फूड यहाँ से आते हुए यहाँ जानते हैं हम लोग, ये तो यकृत है ही, और ये जो होता है वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। ये पित्ताशय एक रस छोड़ता है जिसे बोलते हैं पित्त रस, यानी कि बनाता है पित्त रस। यहाँ से डायरेक्ट जाके यहाँ हमारे फूड में मिलता है, और यहाँ से एक तरफ से ये एक और जो हमारा आ रहा होता है यहाँ से आता है, ये हम जानते हैं अग्न्याशय है, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज। तो ये एक और रस छोड़ता है अग्न्याशयिक रस। तो ये दोनों रस यहीं पे आके हमारे फूड से मिल जाते हैं। आई होप समझ में आया हो, अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो उसे आप कहीं और से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे फूड आके जब मिलेगा तो यहाँ पे अग्न्याशयिक रस जो होता है इसे हम पूर्ण पाचन रस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पूर्ण पाचन रस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन्स का, मतलब इसके अग्न्याशयिक रस में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सब का डाइजेशन करते हैं, लाइक ट्रिप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन तो पेट से निकलता है यानी कि आमाशय, जैसे मैंने बताया था HCL निकलता है, म्यूकस निकलता है, तो पेप्सिन निकलता है, और यहीं पे पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ये भी एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम अब आगे आ जाते हैं। अब हमें लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं बृहदान्त्र यानी कि लार्जेस्ट
इंटेस्टाइन में तो हमारा भोजन नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पीछे से एक रास्ते द्वारा सीधे हमारे क्षुद्रांत में आता है। ये क्या है? तो क्षुद्रांत है। अब इसके भी कई पार्ट होते हैं, तो वो अभी हमें पढ़ने नहीं होते, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में बता दिए जाते हैं, वो कभी बोर्ड में नहीं पूछा जाता, और यहाँ पे हम बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ें, ना कि आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग। तो क्षुद्रांत और बृहदान्त के अभी अंग नहीं पढ़ने होते, अगर जो 11th में जो बायो लेता है केवल उसे पढ़ने होते हैं, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे। क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि जो भी पचा हुआ भोजन है वो यहीं पे आके एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? तो क्षुद्रांत के द्वारा। फिर क्षुद्रांत से होते हुए यहाँ पे एक रास्ता होता है, और यहाँ से आता है हमारा भोजन किसमें? बृहदान्त्र में। अब बृहदान्त्र में क्या होता है कि दो चीजों का अवशोषण किया जाता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं? तो पहला तो होता है जल, और दूसरा होता है नमक। सब चीज का अवशोषण यहाँ हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अवशोषण होता है बृहदान्त्र के अंतर्गत। तो बृहदान्त इन दोनों का अवशोषण करता है, और जो भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होना बचा होता है भोजन, वो यहीं पे आके एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और ये लास्ट पॉइंट होता है डाइजेशन का हमारा। इसकी लंबाई चौड़ाई भी होती है, बट वो केवल थियोरेटिकल है, वो समझाने लायक नहीं है, तो वो सब आप पढ़ सकते हो। वो केवल इन सब प्रोसेस को लॉन्ग करने के लिए होता है, तो वो सब तो आप किसी भी बुक से भी जान सकते हो। लास्ट आता है यहाँ पे हमारा गुदा द्वार। यहीं से सारे जो काम के भोजन नहीं होते, यानी कि जो नुकसानदायक होते हैं हमारे बॉडी के लिए, वो यहाँ से बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेशन का फिगर समझ में आ गया है, और डाइजेशन ख़त्म भी हो जाता है, ये प्रोसेस मेन होता है। इसमें मैंने बीच बीच में जो भी पॉइंट बताए हैं वो आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए। ये नोट्स ऐसी बनेंगी जो आपको लास्ट में बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम काम आएंगी, तो आप बनाते रहिए बोर्ड साथ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट।